जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने स्पाइस मनी पोर्टल को लॉगिन कर चुका हूँ। ये रिटेलर पोर्टल है। रिटेलर जो पोर्टल होता है, वो आईडी जो होता है, वो देखने को आपको कुछ इस तरह मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा लॉगिन है। तो इसको लॉगिन करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर यूजर आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे और लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे अकाउंट पे जैसे आएंगे, यहाँ पे एजेंट प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल का डिटेल दे चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे वॉलेट समरी, चेक बैलेंस वगैरह है और कमीशन स्ट्रक्चर। और यहाँ से अकाउंट समरी, यहाँ से आप कर सकते चेंज पासवर्ड। ठीक है, यहाँ से अपना पासवर्ड को बदल सकते हैं, अपना मनपसंद पासवर्ड आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस, समरी, रिफंड वगैरह सारा चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन है, ये ट्रेन का, यहाँ से ट्रेन टिकट वगैरह बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेन टिकट सभी में नहीं होगा, जिसका IRCTC एक्टिव होगा उन्हीं को ये ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा। जिनका IRCTC एक्टिव नहीं है, उनको ये ट्रेन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मेरा एक्टिव है, इसलिए मेरा ये ट्रेन का टिकट, ट्रेन का जो ऑप्शन है, ये दिखाई दे रहा है। अगर ये आप ट्रेन का टिकट एक्टिव करवाना चाहते हैं तो मैं हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। उसके यहाँ APS रुपया निकाल सकते हैं, यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये फ़्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट सभी को मिलेगा, जिसका IRCTC एक्टिव है, जिसका नहीं भी है, ये फ़्लाइट टिकट सभी को मिलेगा। और यहाँ भी मोड पर जाकर बिल पेमेंट, रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। सबसे मेन बात होती है टिकट सर्टिफिकेट की, कि मैं इस स्पेस मनी को यूज करूँगा, इसका सर्टिफिकेट हमको मिलना चाहिए और इसको अपने दुकान पे लगाना चाहिए। तो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने यही पोर्टल से। यहाँ पे आएंगे मार्केटिंग किट में, मार्केटिंग किट में जैसे आएंगे तो यहाँ दो नंबर मिल रहा है, डाउनलोड रिटेलर सर्टिफिकेट। जैसे डाउनलोड रिटेलर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सर्टिफिकेट जो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने डाउनलोड रिटेलर सर्टिफिकेट इंटर किया, उसके बाद नीचे में देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से QR कोड को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, पोस्ट पेड, प्रीपेड, DTH, ब्रैंडबोर्ड लाइन, लैंडलाइन, वाटर, गैस, ये सारा चीज़ का रिचार्ज कर सकते हैं। और जो रिचार्ज करेंगे जिसका भी, उसका भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, या किसी तरह कंप्लेन तब यहाँ पे कंप्लेन मैनेजमेंट भी क्लिक करके कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन का स्टेटस भी यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, बिजली बिल करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे और प्रोवाइडर कंपनी सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ यहाँ APS है, मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो APS से रुपया निकालना मतलब अंगूठा की मदद से रुपया निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मैं APS पे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे कैश विड्रो है, कैश विड्रो बैलेंस इंक्वायरी। अभी कैश डिपॉजिट RBI के द्वारा बंद कर दिया गया, इसलिए डिपॉजिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी सेलेक्ट कर रहे हैं, बैलेंस। उसके बाद यहाँ कह रहा है आपके पास कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस है। ठीक है, मंत्रा, मार्फो जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास मंत्रा सेलेक्ट, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर, जिसका बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते उसका आधार नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैंक का लिस्ट दिया गया, इस बैंक में अकाउंट है तो देंगे, इसमें नहीं अकाउंट तो यहाँ पे जो इसमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बैंक आ जाएंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप एयरटेल पेमेंट बैंक का भी यहाँ से रुपया निकाल सकते हैं, फिनो पेमेंट बैंक का भी रुपया निकाल सकते हैं, फिनो पेमेंट बैंक का, एयरटेल पेमेंट बैंक का भी रुपया आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से भी बैंक का रुपया आप निकाल सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रुपया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आधार नंबर यहाँ पे इंटर करता हूँ। देखिए, मैं आधार नंबर इंटर किया, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया ये वाला। उसके बाद स्कैन फिंगर प्रिंट एंड सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे आपकी मशीन पर लाइट जलेगा। लाइट जलने के बाद आपका जो होगा बैलेंस वो शो कर देगा। उसके बाद यहाँ से मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, अपना आपका ट्रांजेक्शन का मिनी स्टेटमेंट, यहाँ हिस्ट्री देख सकते हैं। और यहाँ मूव टू बैंक, आपके वॉलेट में जो भी रुपया होगा, ठीक है, उसको आप मूव टू बैंक के द्वारा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते थे। मान लीजिए आपके वॉलेट में 1000 रुपये, 1000 को भी आप ले सकते हैं। तो मूव टू बैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी कह रहा है कम से कम 100, मैक्सिमम 100 से लेकर आप एक दिन में 2 लाख तक का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना रुपया आपके वॉलेट में है और कितना करना चाहते, मान लीजिए मेरे वॉलेट में 5000 है तो 5000 में 3000 करने वाला हूँ, 3000 यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि निफ्ट, मतलब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है
कि आप आईएमपीएस से करना चाहते हैं या निफ्ट से। आईएमपीएस करेंगे तुरंत चले जाएगा, 5 रुपये कटेगा। अगर 25,000 तक करेंगे, 25,000 से कम जितना भी करेंगे 5 रुपये कटेगा, 2400 घंटा ये अवेलेबल रहेगा। उसके बाद निफ्ट जो करेंगे तो आपको कम चार्ज कटेगा और 2-3 घंटे लेट से जाएगा। और यहाँ भी पूरा चार्ज दिया गया है कब 2400 घंटा अवेलेबल, 2400 घंटे अवेलेबल रहेगा। और 25,000 तक आईएमपीएस करने में 5 रुपये कटेंगे, उससे ज़्यादा करने में 2 लाख तक, 25,000 से 2 लाख करने में 10 रुपये कटेंगे। और यहाँ निफ्ट में करने में क्या चार्ज कटेंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से बैंक सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अपने अकाउंट डिटेल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेटलमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। तो यहाँ से आप एपीएस को इस तरह यूज कर पाएंगे। उसके बाद स्पाइस मनी ट्रांसफ़र, इस पर क्लिक करेंगे आपके वॉलेट में जो रुपया वो दूसरे के अकाउंट में आप भेज सकते हैं स्पाइस मनी की ट्रांसफ़र के द्वारा। यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर जो भी है वहाँ दे दीजिए। इसमें आप बिना केवाईसी किए 50,000 तक का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे वीडियो भी आपको बना के दिया गया है, किसी तरह प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो आप देख कर मनी ट्रांसफ़र बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद होटल सिवाय यहाँ से होटल बुक कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लाइट टिकट आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डीटीएच रिचार्ज, टीवी रिचार्ज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ से प्रिंटर परचेज कर सकते हैं, ये प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 5,000 में प्रिंटर मिला, इस टाइप का प्रिंटर रहेगा जिसमें आप रिचार्ज का, बिल पेमेंट का, एपीएस का, मिनी एटीएम का, सभी तरह का रसीद आप इस प्रिंटर से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के द्वारा लीजिएगा 4,999 रुपये लगेंगे, अगर आप हमसे लीजिएगा तो आपको बहुत कम दाम में हम प्रोवाइड करवा देंगे। और यहाँ पे प्रिंटिंग क्या बेनिफिट है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ब्लूटूथ इनेबल प्रिंटर है, रिसिप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत कम 100% सर्टिफाइड है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रिंटर से अपनी दुकान को डिजिटल दुकान बना सकते हैं, दूसरे दुकान से कई गुना ज़्यादा अपनी दुकान पर आप सुविधा कस्टमर केयर को, कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे बिजली बिल भुगतान, बिजली बिल आप सभी स्टेट के यहाँ भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पे फिनो से मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, या फिनो से नहीं करना चाहते यहाँ दूसरे बैंक से करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पाइस मनी का जो मोबाइल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं तो प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्पाइस मनी मिनी एटीएम, स्पाइस मनी मिनी एटीएम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पाइस मनी मिनी एटीएम जो आपको मिलेगा, यहाँ पे प्राइस तो अभी हटा दिया गया, अभी नहीं दिया गया है। तो स्पाइस मनी मिनी एटीएम क्या होता है, मिनी एटीएम द्वारा आप एटीएम कार्ड से रुपया निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड से रुपया निकाल सकते हैं जिसमें आपको 10 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। अगर आप 5,000 निकालते हैं तो आपको 9 रुपये कमीशन मिलेगा, अगर आप 10,000 निकालते हैं तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा। इस टाइप का इसका कमीशन स्ट्रक्चर है। तो आप लेना चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको पूरी चीज़ विस्तार से आपको कॉल पे, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और ये एटीएम कार्ड का जो खूबी, यहाँ पे सभी प्रकार के डेबिट कार्ड एक्सेप्ट हो गए, सिर्फ डेबिट कार्ड इसमें एक्सेप्ट हो गए। उसके लिए अगर क्रेडिट कार्ड के भी क्रेडिट कार्ड के लिए लेना चाहते हो तो आपको एमपोस लेना होगा। एमपोस में क्रेडिट कार्ड और मिनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों होता है, और मिनी एटीएम में ओनली डेबिट कार्ड, मिनी एटीएम में ओनली डेबिट कार्ड, एमपोस में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हैं। और 10 रुपये तक का यहाँ पे कैशबैक आपको मिलने वाला, और इंस्टेंट सेटलमेंट में तुरंत सेटलमेंट आपको मिलने वाला है। अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल पेमेंट, सभी तरह का बिल पेमेंट, यहाँ पे प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड क्या होता है वो भी बता देते हैं। प्रीपेड कार्ड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना होगा, यहाँ पे जिसको आप प्रीपेड कार्ड दे सके उसको रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा उसके प्रीपेड कार्ड पे रिचार्ज करने के लिए। तो मैं प्रीपेड कार्ड नहीं लिया लेकिन फिर भी नंबर इंटर करके यहाँ दिया, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। जिसको आप प्रीपेड कार्ड दे दिए उसके प्रीपेड कार्ड में रिचार्ज करने के लिए यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करके सबमिट कर देंगे। प्रीपेड कार्ड का कैसे ऑर्डर करते हैं वो आपको बताएंगे। और यहाँ से ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, एटीएम कार्ड मशीन मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड कैसे बनाएं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ से डिजिटल गोल्ड, सोना परचेज कर सकते हैं और बेच सकते हैं। यहाँ पे बस सेवा, बस की टिकट, आधार, नगद निकासी कर सकते हैं, बायोमेट्रिक ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं,
मार्केटिंग किट और यहाँ पे प्रिंट क्यूआर कोड कर सकते हैं। ये सब सर्विस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस आपको मिले, इसमें सिर्फ अकाउंट ओपनिंग का सर्विस अभी नहीं है, कुछ दिन बाद 15 दिन में इसमें अकाउंट ओपनिंग की भी सर्विस आपको मिल जाएगी। देख लीजिए आपको बहुत सारे यहाँ पे, देख लीजिए मैं आपको दिखा, यहाँ डाउनलोड पे आएंगे, डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ इजी पे डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप यहाँ पे बनाया के दे दिया गया, किसी को डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे आप फर्मा आपको बना के दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे चीज, और सबसे खास बात यहाँ पे आपको तत्काल लोन भी दिया जाता है। यहाँ देखिए पर तत्काल लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5,000 से लेके मैक्सिमम 20,000 तक का लोन दिया जाता है, जिसमें 10 रुपये प्रोसेसिंग फीस कटेगा। मान लीजिए 5,000 आप लोन लिए तो 10 रुपये आपको प्रोसेसिंग फी कटेगा और 10 रुपये पर डे आपको कटेगा। मान लीजिए 15 दिन के लिए लोन देता है, 5,000 का 15 दिन के लिए आपको हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये आपको देना होगा। अगर 20,000 भी लेंगे तो फिर भी आपको 15 दिन के लिए 150 रुपये ही देना होगा, बहुत कम यहाँ पे चार्ज भी आपको देना होगा। बहुत सारा मोबाइल एप्लीकेशन जो बहुत सारा है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है, इसमें 20,000 तक देगा लेकिन आपको 15 दिन का सिर्फ 150 रुपये लेगा। इससे आप अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रेडियो भी दिया गया जिसकी मदद से आप जो भी इसका ऑफर होगा, जो भी सर्विस होगी न्यू, वो सारा चीज इसकी मदद से आप सुन सकते हैं। 50% तक अन्य बैंक की मनी ट्रांसफर सर्विस के मुकाबले। स्पाइस मनी लाया है आप सभी के लिए पैन ऑफर, यानी कि अपने ग्राहकों का पैन बनाएं और पाएं आकर्षक कैशबैक। पहले प्रत्येक सफल पैन कार्ड एप्लीकेशन अपलोड पर 10 रुपए का कैशबैक, और इस तरह पाएं पहले 5 सफल पैन कार्ड एप्लीकेशन अपलोड पर 50 रुपए का कैशबैक। तो इसी तरह आप इसको पूरा समझ लीजिएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिया गया है, मतलब आप अपने वॉलेट को 2 स्टेप कर देंगे, मतलब पासवर्ड के साथ साथ OTP भी मांगेगा हर वक्त लॉगिन पे। जितना बार लॉगिन कीजिएगा, चाहे मोबाइल में सिस्टम पे कहीं भी कीजिएगा, तो हर वक्त लॉगिन में आपको पासवर्ड के साथ साथ OTP मांगेगा। अगर मेरा एक्टिव है पहले से, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कन्फर्म करने के डिसेबल करने के लिए कन्फर्म करना होगा, ठीक है। आपका अगर नहीं एक्टिव है तो आप इस पर क्लिक करके आप एक्टिव कर लीजिए। और यहाँ भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए, दो कस्टमर केयर के नंबर दिए गए, मोबाइल और उसके बाद ईमेल एड्रेस भी दिए गए। उसके बाद यहाँ पे हेल्प वीडियो यहाँ पे बहुत सारे आपके हेल्प के वीडियो भी यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे जो अलर्ट एंड अपडेट है, जहाँ पे आपको सही प्रकार के अपडेट मिलते रहते हैं, जैसे रिचार्ज वर्किंग नो, ये APS वर्किंग नो, ये जो भी न्यू अपडेट होते हैं, जो भी न्यूज होते हैं, वो अलर्ट के अपडेट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये तो था सिस्टम में यूज करने का, इसके अलावा मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो जिसे मोबाइल पे यूज करना सिखाएंगे। इसमें वो बहुत अच्छा कमीशन भी मिलता है, और 10,000 अगर किसी के अकाउंट से 3,000 अगर किसी के अकाउंट से निकालते हैं तो 3,000 पे 10 रुपये आपको मिलता है। अगर 3,000 करके अगर 3 बार में आप 9,000 निकालते हैं तो आपको 30 रुपये कमीशन मिलता है। तो इसी तरह अगर आप 10,000 निकालते हैं 4 बार में तो आपको 32 रुपये कमीशन मिलने वाला है। तो इसी तरह आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं और अपने अकाउंट में सेटलमेंट तुरंत ले सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस दे रही है, बहुत अच्छी आपको सुविधा दे रही है। तो अगर आपको ID चाहिए इसका, तो इसके बारे में वीडियो पहले से बना चुका, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया उस वीडियो का, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया हूँ, आप हमसे मुझसे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं, और सारी चीज़ जानकारी विस्तार से आप कॉल पे भी हमसे समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए वो आप में कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको भी वो वीडियो जरूर दें।